अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साइमा खान और आज हम बनाने जा रहे हैं हमस। बहुत ही मज़ेदार घर का हमस, तहीनी भी हम लोग घर पे खुद बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी रेडली अवेलेबल होती है तहीनी, तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या ही अच्छा है और टेस्ट क्या ही अच्छा आता है जब आप तहीनी भी घर पे ही बनाते हैं। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको, फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तहीनी के लिए हमने यहाँ पे 6 टेबल स्पून जो है वो ये सेसमी है वाइट वाला, ये ले लिया है, और साथ में ये ऑलिव ऑयल है जो तकरीबन आप देख सकते हैं 3/4 कप है। आप मतलब जितना इसमें यूज़ होगा वो हम आपको दिखा देंगे। साथ में हमस के लिए ये हमने 6 to 7 गार्लिक क्लव्स ली हैं, उसको हाफ काटा हुआ है। यहाँ पे 1/4 कप जो है वो लेमन जूस है, ये निकाल के रखा है, और ये जो है चिक पीस बॉइल्ड है, ये पूरी एक कटोरी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 2 कैन लेते हैं चिक पीस के तो ये तकरीबन उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये हमने बॉइल जो है वो चिक पीस ले लिए हैं। अब हम सबसे पहले तहीनी को रेडी करेंगे। ये जो है हमने ले लिया है तिल सेसमी, और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये रोस्ट करना है। बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज तो नहीं होना चाहिए, लाइट सा। बहुत लाइट सा इसका कलर चेंज होगा। ये हमारी फैमिली घर की रेसिपी है और मतलब तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद तो बन ही जाता है हमस। चिकन के साथ जो है वो बहुत ही मजे का लगता है। पीता ब्रेड हम लोग लेते हैं साथ में चिकन और साथ में हमस, सैलेड लीव्स के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखें, इसको बिल्कुल हमने स्लो फ्लेम के ऊपर जो है वो हल्का हल्का रोस्ट करना है। जब आपको हल्की हल्की सी स्मेल आने लगे और आपको लगे कि नहीं अब रोस्ट हो गया, बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है, इसको पकाना नहीं है। मतलब ये हो गए हैं रोस्ट, आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से गोल्डन हो गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसकी तहीनी बनेगी। हमने ले लिया है जार के अंदर सेसमी, इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1/2 कप के बराबर हमने इसमें अभी डाला है, फिर आस्ते आस्ते करके ऐड करेंगे और हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है, इसको पेस्ट बनाना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये 1/2 कप ही हमने ऑयल लिया है, पूरा नहीं लिया, 3/4 कप, और इसके अंदर जो है ये 6 टेबल स्पून से हमने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। हम इसी जार के अंदर जो है वो गार्लिक ऐड कर रहे हैं और अब इसे फिर ग्राइंड करेंगे। हम इसमें चिक पीस भी ऐड करते जा रहे हैं और इसे ग्राइंड करते जाएंगे। इसके अंदर हमने सारे चिक पीस और लेमन वाटर ऐड करते जाएंगे और इसे ग्राइंड करते जाएंगे। चिक पीस आप ऐड भी कर सकते हैं जब आप इसे टेस्ट करें और आपको लगे नहीं चिक पीस और डालने हैं तो और भी डाल सकते हैं। ये इसको बस ग्राइंड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर आपको हाँ जैसे तुम बता रही थी कि अगर थोड़ा सा कड़वा लगे, यानी कि तहीनी की मिकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इसमें चिक पीस और ऐड कर लें और लेमन जूस पे ये थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रहे के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, 1/4 होगा, इससे भी कम, 1/4 तक जो है वो आप डाल दें। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं। स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं जो ज़्यादातर आपको हमस की रेसिपीज़ में नज़र नहीं आता, और वो है 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ का। और ये मेयोनीज़ मीठा है या सॉल्टी है? सॉल्टेड है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है।
इससे जो है वो हमस का बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। फाइनल ग्राइंड कर रहे हैं अब हम इसे। टेस्ट हमने कर लिया, टेस्ट बिल्कुल ठीक है। हो चुका है हमारा हमस रेडी, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें इसको जितना पतला रखना चाहते हैं उसमें आप कोल्ड वाटर और थोड़ा सा ऑयल दोनों चीज़ इसमें मिला सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा और बहुत ही मज़े का है। कलर भी आप इसका देखें। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हमस रेडी, इसे हमने मिट्टी के छोटे से बर्तन में निकाल लिया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें हमस करके हमने स्पून से थोड़ा सा इसके अंदर कर्व दे दिया। उसके बाद हमने बीच में ऑलिव्स लगा दिए, थोड़ा सा पेपरिका ऊपर स्प्रेड कर दिया और ऑलिव ऑयल जो है वो पेपरिका के ऊपर लगा दिया। तो पेपरिका के ऊपर ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गिरा दें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट आता है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उस पर थोड़े से बॉइल्ड चिक पीस भी रख सकते हैं। जिस तरह से भी आप डेकोरेट करना चाहें आप हमस को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा।